हमारे 38 कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए डीसी मैम से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा और आपको बताना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से। एक्चुअली मैम, ये हमारा बिकुंग नापी पकुंग में बहुत नेटवर्क का इशू पहले से चल रहा है, तो अभी तक चल रहा है। खासकर ये नेटवर्क पोअर होने की वजह से हमारे जो स्टूडेंट कम्युनिटी है उनको बहुत तकलीफ है हो रहा मिल रहा है। और ये मैम, और एक बात बताना चाहूँगा, ये 25 मई 2021 को मैं बोगोंग स्टूडेंट आपके ऑफिस में सबमिट किए थे रिगार्डिंग ये जो पोअर नेटवर्क इशू के बारे में, जो पासीघाट, खासकर पासीघाट के लिए लिखा गया था, लेकिन मैम आपकी साइड से कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं है। तो एज ए स्टूडेंट फ्रेटर्निटी लीडर, मैं आपसे फिर एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि काइंडली इस इशू को सीरियसली लीजिएगा। नेटवर्क अभी ऐसे भी पेंडेमिक का समय है, तो स्कूल तो क्लासेस तो होता नहीं है, सभी को ऑनलाइन से एग्ज़ाम देना पड़ता है, तो इसलिए इस बात को एकदम आप थोड़ा सोच के, या फिर जो पकुंग के, खासकर जो पकुंग है नापी दुकुंग के जो बस्ती के जो प्रेसिडेंट सेक्रेटरी जीबी जो है, तो उनसे बात करके आप ये चीज़ को थोड़ा ठीक से ध्यान दीजिएगा और ये चीज़ में लेके आपको काम करने से ठीक है। कभी मिलते ये रूम में मिलता है, वो रूम में नहीं मिलता है, और ज़्यादातर एयरटेल बोलने से, और तो मैंने अपना घर से निकल के 1 किलोमीटर आगे जाके मैंने बताना पड़ता है, वहाँ जैसे तैसे मैंने हम लोग को नेटवर्क मिलता है। वो भी तो पूरा दुनिया ये हो गया, हो सके तो बापू का बीते का पहाड़ का अंडर में भी हम लोग को नेटवर्क मिलना चाहिए था। दुनिया कितना कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया, हम लोग का यहाँ में मैंने टाउन का सामने में भी है, कितना टावर है देखता है ना, ये भी टावर वो भी टावर हिसाब है नहीं, फिर भी हम लोग का जो पर्टिकुलर जैसे कि आपका ढिकिंग पकुंग नापी ये एरिया में बहुत ही है, मैंने ये नेटवर्क का बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। इन्हें मैं ना कंपनी तरफ से, मैं डिपार्टमेंट तरफ से, या तो गवर्नमेंट तरफ से क्या करना है मैंने बोलूँ, हम लोग को जो प्रॉब्लम ऐसा है, मैंने हम लोग का ये में नेटवर्क प्रॉब्लम ज़्यादा ही पर्टिकुलर आपका ढिकिंग और जा रहा हूँ जो नेटवर्क इशू के ऊपर है। और जैसे कि हम सब जानते हैं, अभी बाकी जगह में तो 5G 6G 7G तक आ गया, हमारे यहाँ में अभी तक 4G ही है, तो वो भी बिल्कुल मतलब काम नहीं कर रहा है। ये बहुत एक इम्पोर्टेंट इशू है, और मैं हमारा हीरिंग साहब को धन्यवाद देता हूँ कि इस इशू को लेके एक अवेयरनेस और एक गैदरिंग करके हमारा इसके ऊपर में किस कैसा रिएक्शन होना चाहिए, इसको लेके आज मीटिंग कॉल किया। आई एम वेरी मच थैंकफुल टू हिम। जैसे मैं तो कॉलेज में, जो बीएड कॉलेज में उस असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, तो मुझे मैक्सिमम अपना स्टूडेंट के साथ टीचिंग लर्निंग एक्सपीरियंस को शेयर करना होता है, तो उसके दौरान जो नेटवर्क इशू है ये बहुत बड़ा एक इशू बन गया, अभी खासकर अभी जब से ये कोरोना हो गया और ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गया, हम लोग को ऑनलाइन नोट्स देना होता है, वीडियो देना होता है, किसी तरह से हम कई जगह पे जाके उसको अपलोड करने से भी स्टूडेंट जो जगह जगह में है तो रिसीव नहीं कर पा रहा है। ये इशू सिर्फ हमारा पकुंग या नापी का ही नहीं है, अभी का समय में ये इशू मतलब मोर और लेस हर जगह में ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है। और ऊपर से मैं एक पेरेंट भी हूँ, बच्चा का फादर हूँ, उसको भी ऑनलाइन नोट्स मिलता है, बिल्कुल वो डाउनलोड नहीं कर पाता है, वीडियो कॉल तो छोड़ दीजिए, टेक्स्ट वाला कुछ भी चीज़ होता है वो भी डाउनलोड नहीं हो पाता है। तो ये एक एजुकेशन से रिलेटेड बहुत बड़ा एक इशू है, इसको हमको शॉर्ट आउट करना बहुत ज़रूरी है। और जैसे कभी अभी जैसा जो नेटवर्क प्रोवाइडर है तो कस्टमर केयर नंबर तो रहता है, कॉल करने से वो लोग अच्छे से सजेशन तो देता है, विद इन 24 आवर या 48 आवर्स में आपका ये नेटवर्क इशू प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा, लेकिन वो आज तक ख़त्म नहीं हुआ है, 2-3 साल से ऐसे चल रहा है। तो उसके लिए जो हमारा कमिटी मेंबर लीगल प्रोसीजर किस तरह से जाना चाहिए,
या हमारा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को अप्रोच करके उसको किस तरह से ठीक करना चाहिए, ये करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हम लोग को सबको सपोर्ट करना चाहिए। तो हमारे कॉलेज के तरफ से, हमारे चेयरपर्सन, हमारा प्रिंसिपल के तरफ से मैं यही बात आपके सामने रख रहा हूँ। व्हेनेवर वी आर रिक्वायर्ड, वी आर ऑलवेज विद यू।